नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 97वां दिन है और इस समय कांग्रेस की पदयात्रा राजस्थान में मौजूद है। आज 13 दिसंबर मंगलवार को यात्रा राजस्थान के सवाई माधोपुर में जीनापुर से शुरू की गई, जो कि शाम के समय दुब्बी बनास गांव में जाकर रुकेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की है पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक रहेगी और यहां 500 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद 21 दिसंबर को यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। राजस्थान में मौजूद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 12 दिसंबर को राहुल गांधी ने सवाई माधोपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब दो तीन चीजें राजस्थान की सरकार के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने सुना अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह किया वो किया, ये सब बातें ठीक हैं। जो काम कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में किया उसके बारे में मैं भी कहूंगा, मगर मैं कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाहता हूं कि जो किया है वो इतना जरूरी नहीं है, जो अब करने जा रहे हो वो और जरूरी है। इसी के साथ राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी सराहना की, लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि राज्य सरकार अब जो जनता कह रही है उस पर कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने भी दो तीन चीजें तो गहलोत जी को कह दी हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन दो तीन चीजें मैंने मुख्यमंत्री गहलोत जी को कह दी हैं जो मुझे लगता है कि जरूरी हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट के विस्तार को लेकर पूछे जाने पर सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान से सुझाव के बाद जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और कैबिनेट की पहली बैठक में सभी गारंटी योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन गारंटियों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियां, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह और 300 यूनिट की खपत पर मुफ्त बिजली शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शिता अधिनियम लाएंगे। इस तरह के कानून में आम तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने रविवार को संवाददाताओं के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी की बराबरी करने वाला कोई दूसरा नेता होना नामुमकिन है। अगर हम मान भी लें कि नीतीश जीत जाते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमारे देश की बजाय पाकिस्तानी झंडा फहराएंगे। वहीं भाजपा विधायक के इस बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हम किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए हैं। भाजपा ने अल्पसंख्यकों की परवाह करने वालों को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी के तौर पर पेश करने का एक नया चलन शुरू किया है। चौधरी ने आगे कहा कि बचौल और उनके जैसे लोगों को मुसलमानों से क्या समस्या है? क्या मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानी नहीं दी? क्या वे सशस्त्र बलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा नहीं करते हैं? उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो लोग आश्चर्य करते थे कि राष्ट्रीय राजनीति का पूर्व का कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद वे मनमोहन सिंह की बराबरी कैसे कर सकते हैं, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले लंबे समय तक सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे थे, इसलिए उनकी क्षमता पर संदेह नहीं कर सकते। कल 12 दिसंबर से लगातार अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। वहीं समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक तोंग सेक्टर में LAC पर दोनों सेनाओं के बीच यह झड़प 9 दिसंबर को हुई है और झड़प के दौरान दोनों सेनाओं के सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। साथ ही खबर है कि इस झड़प के बाद भारत के कमांडरों ने शांति बहाल करने के लिए चीन के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की, जिसके बाद मामला सुलझा लिया गया है। बता दें, समाचार एजेंसी ANI की जानकारी के मुताबिक तोंग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी LAC तक पहुंचना चाह रही थी। चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया। इस दौरान सेनाओं के बीच झड़प भी हुई, हालांकि भारत के जवानों ने LAC तक पहुंचने की कोशिश कर रही चीनी सेनाओं को पीछे धकेल दिया। अरुणाचल प्रदेश के तोंग सेक्टर में LAC के करीब हुई भारतीय सेना और चीनी सैनिकों की झड़प को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र पर कड़ा हमला बोला है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि फिर से हमारी भारतीय सेना के जवानों को चीनियों ने भड़काया है, हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और उनमें से कुछ घायल भी हुए। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे।
लेकिन मोदी सरकार को ईमानदार होना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी छवि को बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। उत्तरी लद्दाख में घुसपैठ स्थायी करने की कोशिश में चीन ने डेपसोंग में LAC की सीमा में 15 से 18 किलोमीटर अंदर 200 स्थायी शेल्टर बना दिए, पर सरकार चुप रही और अब यह नया चिंताजनक मामला सामने आया है। इस साल के अक्टूबर महीने में औद्योगिक विकास में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अनुसार अक्टूबर महीने में देश की औद्योगिक उत्पादन में 4% की गिरावट दर्ज हुई है। बता दें, केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े सोमवार को जारी किए गए हैं और IIP के जारी डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 5.6% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं खनन उत्पादन में मात्र 2.5% की वृद्धि हुई है और बिजली उत्पादन में 1.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं दूसरी ओर सितंबर महीने के दौरान खनन उत्पादन में 4.6% और बिजली उत्पादन में 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।